पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ शिवराज सरकार द्वारा नसरुलागंज के गोपालपुर थाने में कराई गई झूठी एफआईआर के विरोध में जावर नगर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया और मुकदमा वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र स्ट्रीट पांडागांव सीप नदी पर पिछले वर्ष पुल स्वीकृत हुआ था, जो नियमानुसार 3 माह में तैयार होना था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए 1 वर्ष से अधिक समय में तैयार हुआ, जिसके तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री से लोकार्पण के चक्कर में अनगिनत दिनों से आवागमन पुल से प्रशासन द्वारा बंद रखा गया था। जनता विगत वर्षों से परेशान होती आ रही थी व पुल बनने के बाद भी जनता परेशान हो रही थी। इसी को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लोकार्पण कर दिया तो पुलिस ने उन पर FIR दर्ज कर ली। नसरुल्लागंज थाने की जगह गोपालपुर थाने में झूठी FIR दर्ज कराई गई। चेतन सिंह ठाकुर ने कहा, जिसके विरोध में और झूठी FIR को वापस लेने की मांग को लेकर आज हम कांग्रेसजन मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए शासन प्रशासन से झूठा दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग करते हैं। पुतला दहन करने वालों में वरिष्ठ नेता चेतन ठाकुर, ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष सूर्यपाल सिंह ठाकुर आदि उपस्थित थे। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का पुतला दहन किया है। यह पुतला दहन इसलिए किया है कि शिवराज सिंह जी चौहान की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने जो यह उद्घाटन किया था, इसमें पूरी प्रोसेस यह थी, सरकार का नियम अनुशासन यह चल रहा था कि एक दिन बाद ऑनलाइन प्रोसेस से उसका रिबन काटा जाता था। 30-35 किलोमीटर से वहां के रहवासी जा रहे थे तो सज्जन सिंह वर्मा जी ने यह निर्णय लिया कि डायरेक्ट 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रास्ता चालू हो जाएगा, इसलिए उनने रिबन काटा। यह जो दुर्भाषों की भावना से काम करते हैं बीजेपी वाले, यह पूरे प्रदेश में अन्याय हो रहा है। हमारा कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि FIR जल्दी से जल्दी निरस्त की जाए, FIR वापस ली जाए, ये तो मध्य प्रदेश में सारी जेल कांग्रेस भर देगी, सारी जेल छोटी पड़ जाएगी और एक उग्र आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश में चक्का जाम होगा, क्योंकि संविधान के हिसाब से नहीं चल रही। आज बाबा अम्बेडकर का कहना है कि संविधान के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से चलो, आप संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। सज्जन वर्मा, देखिए क्या है, पूर्व की जो कमलनाथ जी की जो सरकार थी, उस सरकार में अनगिनत सड़कें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी के द्वारा बनाई गई थी, स्वीकृत कराई गई थी, लेकिन अच्छी खासी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिया। चुराने के बाद में चाहे सिद्धिगंज धुराना सड़क हो, चाहे सीप नदी का पुल हो, सीप नदी का पुल विगत 1 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था और स्वीकृत होने के बाद में 3 महीने में तैयार होना था उस सीप नदी का पुल, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें भ्रष्टाचार करने के चक्कर में उसको 1 साल बाद पूर्ण किया और उसमें भी लोकार्पण के चक्कर में विगत 20 दिन से क्षेत्र की जनता लगातार परेशान हो रही थी। क्षेत्र के पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी नेमावर के जगन्नाथ हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। उस सीप नदी के पुल के ऊपर जब उनने देखा कि यहाँ जनता बहुत परेशान हो रही है, सज्जन सिंह वर्मा जी ने उठा के उस पुल का जनता के हित में रिबन काट दिया, जिससे बौखलाकर शिवराज सिंह चौहान, जिसका उद्देश्य सिर्फ नारियल फोड़ के कांग्रेस की योजनाओं का वाहवाही लूटना है, ऐसे शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रशासन को निर्देशित करके उनके ऊपर जो FIR दर्ज किए, जिसके विरोध स्वरूप संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार के पुतले दहन, ज्ञापन और अन्य तरीके से विरोध दर्ज करके सज्जन सिंह वर्मा जी के ऊपर की गई FIR को वापस लेने की मांग की जा रही है। हम आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आम जनता के साथ खड़ा होकर जनता की लड़ाई को लगातार लड़ रहा है और शिवराज सिंह चौहान ने समय रहते इस FIR को वापस नहीं कराई तो हम सारे कांग्रेसजन मिलकर शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस तो हमारे बीच में नहीं आए अभी, लेकिन यहाँ के ब्लॉक के सभी क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, जो सज्जन सिंह जी वर्मा के ऊपर एक जनहितैषी योजना को उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास करके लोगों की आवागमन में जो अवरुद्ध हो रहा था उस पुल को चालू करने के लिए जनहित में जो उन्होंने कार्य किया है,
उस जनहित के कार्य को भी उन्होंने भाजपा वालों ने गलत करके और उनके ऊपर एक झूठी FIR की है। जनहितैषी कार्य में भी अगर FIR होती है जननायक के ऊपर तो ये बहुत गलत हो किया गया है मुख्यमंत्री जी के और उनके सिपा सालार द्वारा। उसके विरोध में हमने उस FIR को वापस करवाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ पुतला दहन करके यहाँ पर आंदोलन किया है और हमारी मांग है कि आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा के ऊपर जो झूठी FIR की गई है उसे वापस ले जाए।